कल जो एक बाइक खड़े करने वाला एक दिन के 10 रुपये दे रहा था, आज वही रेट 250 रुपये हो चुके हैं। तो अभी आपने देखा, हमने आपको व्हीकल पार्किंग का बताया था कि रेट कितने बड़े हैं, और उसी के दूसरी साइड हम आए हैं जहाँ पे टैक्सियाँ खड़ी होती हैं, ऑटो खड़े होते हैं, इनकी भी पार्किंग है। और यहाँ पे हमने आके बात की तो यही शिकायत है कि इनके भी पार्किंग के जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी गई है, डेली भी और मंथली भी। तो इनकी जो कॉस्ट थी पहले वो 600 रुपये पास थी, अब वो जाके कर दी गई है 4000 रुपये। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रेट है, रेट पे पहले देखिए, कार प्रवेश पर प्रतिदिन 20 रुपये चार्ज था, और कार मासिक जो किराया था वो 600 रुपये देख रहे हैं आप। इन्होंने इस पे वाइट पेंट कर दिया है, अब ये चेंज होंगे रेट, तो इनसे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, सर इस रेट पे पहले हम 20 रुपये रोज के देते थे और 600 रुपये महीने के देते हैं, ये 4000 रुपया डेली का मांग रहे हैं, महीने का मांग रहे हैं, 4000 हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इतनी तो हमारी दिहाड़ी भी नहीं है। और आप क्या कहेंगे सर? पिछली सरकार में जी हम 300 रुपये देते थे एक महीने का, उसके बाद डबल कर दिए गए, पार्किंग करोड़ों में चली गई तो 600 रुपये करे, अब हमारा 4000 रुपये एक महीने का दे रहे हैं। जे हमें आज बजट का नया तोहफा दिया है हमारी बीजेपी सरकार ने, इन्होंने आम आदमी का जीना मुश्किल कर रखा है, जिसमें सारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। सुविधा के नाम पे कोई भी यहाँ पे कोई एक यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, कोई 6 साल हो गए इस बीजेपी सरकार को, पिछले 5 साल और 1 साल ये वाला। यहाँ कह रहे थे कि ये मॉडर्न स्टेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पूरे स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि एक भी वॉशरूम यहाँ पर नहीं है। शौचालय जाने के लिए पहले वहाँ पे 10 रुपये की पर्ची कटाओ, तब आदमी कोई वहाँ पे वॉशरूम जा सकता है। ये स्टेशन प्राइवेट कंपनी को भारत सरकार ने, रेलवे ने बेच दिया है, अब वो पैसा पूरा करने के लिए यहाँ पे आए दिन गरीब आदमी की जेब काटी जा रही है। वो कह रहे कि हमने तो पैसा पूरा करना है। ये भारत सरकार ने करोड़ों रुपए में जो स्टेशन जो है प्राइवेट कंपनी को, SDC कंपनी है, UDS, उसको बेचा हुआ है, तो उन्हीं के जितने करिंदे हैं वो रेट पर दिन बढ़ा रहे हैं। अब इसका भी 1 साल का टेंडर है, 1 साल के बाद हो सकता है ये 4 की जगह 8000 हो जाए, तो अगर हम इस पर विरोध नहीं करेंगे तो ये आए दिन आम गरीब आदमी को, ज़्यादा गरीब आदमी को तंग किया जा रहा है। तो आपने ये देखा कि कुछ ऑटो और टैक्सी वालों ने हमें बताया कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इतना रेट बढ़ने के बाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।